एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा शॉपर। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हेयर फॉल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। मुझे भी बहुत है, बिकॉज मेरे भी बाल बहुत सारे झड़ रहे हैं और मेरे लैशेस में और आपके आईब्रोज के लिए उसके लिए परफेक्ट है। तो मैं कुछ आज ऐसे सोल्यूशन देने वाली हूँ जो आपके लिए ऑल इन वन है, आपके लाइक हेयर फॉल्स, आपका थ्रेडिंग्स, आपका लैशेस, आपको जहाँ जहाँ अपना हेयर ग्रोथ करना है उन सभी के लिए आपके लिए मैं कुछ ऐसा एक इंग्रेडिएंट लेके आई हूँ जो कि आपका इंस्टेंट आई थिंक आपको 15 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या है। फर्स्ट, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो आप हेयर ऑयल लगाना पसंद करते हैं, मुझे ये हेयर ऑयल पसंद है, ये है एलोवेरा हेयर फॉल, ये है आपका पैराशूट का है। इसका प्राइस मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट हाँ ये बहुत चीप है, आप आसानी से इसका प्राइस है जस्ट 75 रुपीज़। आप चाहे तो लोकल मार्केट से परचेस कर लीजिए या फिर मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पर्पज से जाकर परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लगेगा कैस्टर ऑयल्स, ये गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल्स है जो कि मैंने अगेन पर्पज से ही परचेस किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे देखिए आराम भी मिला है हर चीज़ में, मेरे हेयर फॉल्स में लाइक लैशेज में मेरा वन साइड लैश जो है वो निकल गया था, बट मैंने इसको लगाया, मुझे रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। देखिए मेरे यहाँ पे लैश में हेयर ग्रोथ नहीं था, बट हाँ इसको मैंने यूज़ किया और मुझे इंस्टेंट आप फ़र्क आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रहा है लाइक आपको बाल झड़ रहा है बहुत ज़्यादा या फिर तो आपको क्या करना है, आप जैसे भी ऑयलिंग करते हो आप डबल बॉयलर प्रोसेस कर लीजिए, इसको गर्म कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कीजिए। नेक्स्ट उसमें ये आधा ढक्कन ये मिला लीजिए। नेक्स्ट अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जेली फॉर्म में होता है तो कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप इसको मिक्स कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको हेयर फॉल्स हो रहा है या फिर आपको जहाँ हेयर ग्रोथ करना है लाइक यहाँ करना है इधर करना है, तो आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए हल्के हाथ से। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब भी अपना जो भी शैम्पू फेवरेट शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं आप शैम्पू वर लीजिए, आप वॉश कर लीजिए, देन रिजल्ट आपके सामने होगा। इस प्रोसेस को अप्रोक्स आपको 1 मंथ करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो। नेक्स्ट अगर आपको आईब्रो ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्यूटिप ले लीजिएगा, बेबी बर्ड भी जिसको कहते हैं उसको लीजिएगा, लाइक मैं आप फिंगर से ही बता देती हूँ, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लीजिएगा जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा थिक और चिपचिपा लगेगा आपको, थोड़ा सा लीजिए लाइक दिस और एज अ आईब्रो जेल लगा लीजिए, देखिए इस तरीके से। ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट 15 डेज करना है, आप अपने आप खुद से फ़र्क महसूस कर पाएंगे कि कितना अच्छा काम करता है। आपको अगर आपकी आईब्रोज बहुत कम ग्रोथ है उनकी तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आई थिंक आपको, मुझे नहीं लगता आपको किसी लाइनर की या किसी आईब्रो जेल की किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका अगर आई लैशेज में भी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी आई लैशेज झड़ गई थी और नहीं थी ग्रोथ नहीं हो रही थी वहाँ, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, नेक्स्ट आप कैस्टर ऑयल लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देन मसाज। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अंडर आई कर लें उसको, ऊपर ही ऊपर कीजिएगा। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो एक काम कीजिएगा आप लोग, आपका कोई भी पुराना मस्कारा पड़ा हो तो उसका ब्रश लीजिएगा, इसमें डिप कीजिएगा, एलोवेरा जेल भी मत लीजिएगा, नेक्स्ट लाइक दिस ऐसे कीजिएगा, आप अपने आप फ़र्क देख पाएंगे। सो ये मेरे सेकेंड टिप थी। नेक्स्ट अगर आपको आपकी स्किन प्रॉब्लम है लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हनी सूट नहीं करता है, मुझे नहीं करता है शायद, आप कोई भी शहद लीजिएगा, जैसे कि जिस जगह आपका शहद काम करता है ये उससे ज़्यादा बेटर काम करेगा। क्या कीजिएगा आप, थोड़ा सा बेसन लीजिएगा, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लीजिएगा, थोड़ा सा लेमन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, ये इन सबको इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपने फेस पे लगा लीजिएगा रात में, फिर लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज दीजिएगा, देन आप वार्म वाटर से अच्छे से वॉश करके आप थोड़ा एलोवेरा जेल या आप अपना कोई भी क्रीम लगाते हो या नाइट क्रीम लगाते हो जो भी लगाते हो लगा लीजिएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिएगा आप ये आपको 11 डेज़ या 12 डेज़ में आपको अपने यहाँ फ़र्क दिख जाएगा। सो आई होप यू ऑल गाइज एंजॉय माई वीडियो और मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।